नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति मनुस्मृति। तीसरा अध्याय हमने पूरा किया, चौथे अध्याय पे आते हैं और यहां महाराज मनु गृहस्थ हुए हैं हम, तो हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है आगे इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं, चतुर्थम आयुषो भागम उषित्वाद्य गुरु दुजा। भाई, हर बात ब्राह्मण को लेके कही जाती है, इसीलिए संभवतः महाराज मनु का उनको ये कहकर कि भाई ब्राह्मणों की ही बात वो करते हैं, अन्य लोगों के साथ उन्होंने योग्य व्यवहार नहीं किया है, संभवतः कहा जाता हो। लेकिन जब भी इस संसार में किसी भी काल में किसी भी समय में नियम बनाए गए, वो श्रेष्ठ लोगों के लिए ही बनाए गए, क्योंकि अगर श्रेष्ठ लोगों का आचरण श्रेष्ठ बना रहेगा तो उनको देख करके उनका अनुसरण उनका अनुकरण करने वाले लोग भी श्रेष्ठ व्यवहार करेंगे। तो कहते हैं कि जो द्विज हैं, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजमत, तो उन तीनों का समावेश होता, हम पहले ही बता चुके हैं, उनको अपने जीवन का चतुर्थांश यानी प्रारंभिक 25 वर्ष गुरु के यहां गुजारना चाहिए, गुरु के यहां रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। फिर जो दूसरा आयुष्य है, कृतदारो ग्रहे वसेत, विवाह करना चाहिए और पत्नी के साथ घर में रहना चाहिए। अब देखिए, विवाह हो गया, पत्नी के साथ रह रहे हैं, लेकिन घर की जरूरतें पूरी करने के लिए तरह तरह की स्थितियां आपके सामने खड़ी हो सकती हैं। तो महाराज मनु कहते हैं कि अद्रोहेणैव भूतानाम अल्पद्रोहेण वापना, या तो आप किसी का द्रोह ही ना करें और बिना द्रोह किए अपनी आजीविका को चलाएं, और अगर ऐसा संभव ही नहीं है कि बिना द्रोह किए आपकी आजीविका चल पाए, देखिए बहुत लोगों की आजीविकाएं इस प्रकार की होती हैं जो दूसरे के विनाश के साथ ही जुड़ी हुई है। अगर कोई मच्छी मारने वाला है, मछली पकड़ने वाला है, और आप उससे कहिए कि आप मछली को मत मारिए, तो भैया उसकी आजीविका चलेगी नहीं, और ये आज की बात नहीं, तो हमेशा से रहा है, तो ये उसकी आजीविका का एक प्रकार है। तो या तो आप किसी का द्रोह ना करें, या कम से कम द्रोह जो हो सके इसका विचार करके व्यक्ति को अपने जीवन का यापन करना चाहिए, अपनी वृत्ति का चयन करना चाहिए, अपनी आजीविका का चयन करना चाहिए। एक बड़ी ही सुंदर बात कहते हैं जिस पे आजकल कोई ध्यान नहीं देता है, यात्रा मात्र प्रसिद्ध्यर्थम स्वयं कर्म भीर अगर हृदय, व्यक्ति को अपने जीवन की यात्रा को चलाने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने पुत्रों के पढ़ाई लिखाई वगैरह जो भी उनकी इच्छाएं अभिलाषाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए गर्भित ही कर्म भी निंदित कर्मों का सहारा नहीं लेना चाहिए। हम तो सोचते हैं कि हमारे बच्चे को हमें डॉक्टर बनाना है, उसकी फीस की 5 लाख रुपए एक साल के देने हैं, 25 लाख रुपए देने हैं, तो भैया कहां से लाएंगे, हमारी तो इतनी औकात नहीं है, तो चलो कहीं किसी को ठगें, कहीं किसी को मुंह से, कहीं किसी के पास से कुछ ऐसा करें, कैसे भी वो पैसा तो एकत्रित करना है। भैया आपकी क्षमता नहीं है, पैर उतने ही लंबे कीजिए जितनी आपकी चादर है। अगर हम इस चीज को समझ जाए तो यहां जो दूसरी पंक्ति लिखते हैं बड़ी महत्वपूर्ण है कि अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धन संचयम्, अपने शरीर को पीड़ा पहुंचा के धन का संचय नहीं करना चाहिए। देखिए, मेहनत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन शरीर को पीड़ा पहुंचा के, कई बार लोग ऐसा होता है कि अपने जीवन का लक्ष्य धन को ही बना लेते हैं, उनके लिए जीवन में ना आराम का कोई महत्व है, ना उनके जीवन में मनोविनोद का कोई महत्व है, उनके जीवन में एक ही चीज रह जाती है कि बस किए जाओ काम किए जाओ और पैसा एकत्रित करते रहो। तो शरीर को जिससे क्लेश हो,
देखिए जब हम काम शास्त्र के वीडियो बनाएंगे तब बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जो उसमें आएंगी कि अगर आप शरीर से अधिक श्रम करते हैं, जो उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा श्रम करते हैं, तो उसके परिणाम क्या होते हैं। शास्त्रों में उसका उल्लेख पाया जाता है। यहां महाराज मनु ये कह रहे हैं कि शरीर को पीड़ा पहुंचे, इस प्रकार से व्यक्ति को धन का संचय नहीं करना चाहिए। रता नृताभ्याम जीवे तु मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्याम अपिवा नाश्ववृत्या कदाचन। भैया यहां नौकरी को जो है ना स्ववृत्या कहा गया, कुत्ते की वृत्ति। आजकल तो लोग बाग अगर लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं तो सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि नौकरी वाला है। नौकरी वाला है तो निश्चिंत, लेकिन यहां पे उसको कुत्ते की वृत्ति कहा गया। नृता रुता मृत प्रमृत सत्यानृत, ये पांच प्रकार की वृत्तियां हैं। रुता क्या है? तो रिता है जब आप जिसको खेत में से बीन करके, और उच्च वृत्ति जिसके लिए कहा गया था, हमने एक शत्रु वाली कथा महाभारत की कथाओं में सुनी थी, जिसको शिला बीनना भी कहते हैं। सबसे श्रेष्ठ वृत्ति ब्राह्मण के लिए वो मानी गई है, पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। तो जो उस वृत्ति से अपनी आजीविका चलाता है वो रत है। दूसरा है अनृत। तो अनृत के लिए ये कहते हैं कि जब व्यक्ति बिना मांगे कुछ मिले और उस आजीविका से अपना, देखिए कोई ब्राह्मण है, लोगों की पता है कि ये ब्राह्मण श्रेष्ठ किसी के यहां मांगने नहीं जाते हैं, और ये ईश्वरीय विधान है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आप विश्वास रखिए, मैं तो मथुरा में बड़ा हुआ हूं, मैंने देखा है बहुत से ऐसे संत महात्मा ब्राह्मण वहां इस प्रकार के हैं जो अपने स्थान पे बैठे रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं। वो कभी कहीं भिक्षावृत्ति के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई सेठ नित्य प्रति वहां पहुंचेगा और उनको भोजन की व्यवस्था करके आएगा, किसी को कुछ दान में दे के आएगा, यानी उनको किसी चीज की कमी नहीं पड़ती है। इस प्रकार की आजीविका जिसकी है उसको अनृत कहा गया। पहली थी रुत, जो उच्च वृत्ति या शिला बीनने वाली बात है, और बिना मांगे जो मिल जाए उससे अपनी आजीविका चलाते हैं उसको अनृत कहा गया है। मृत कहते हैं जब भिक्षा मांग के लाइए तो उसको मृत आजीविका कहा गया है, कि भाई हम गए और भिक्षा मांग लाए, हमने तय कर रखा था कि हम दो घर जाएंगे, चार घर जाएंगे, पांच घर जाएंगे, और इस प्रकार से भिक्षावृत्ति से जो अपना काम चलाते हैं उनको मृत प्रकार की आजीविका कहा गया है। अगर व्यक्ति खेती करता है तो वो प्रमृत प्रकार की आजीविका मानी जाती है। खेती करना, देखिए ब्राह्मणों के लिए खेती का निषेध किया गया है, वैश्यों के लिए कार्य श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन अगर कोई ऐसा ब्राह्मण है जो और किसी लायक नहीं है तो वो खेती भी कर सकता है। लेकिन यहां सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं है, यहां द्विज शब्द का प्रयोग किया, और मैंने आपसे कहा कि द्विज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों का समावेश होता है। तो भैया कुछ जो हैं, जो ब्राह्मण हैं वो एक प्रकार की वृत्ति चलाएंगे, कुछ जो हैं वैश्य वगैरह वो इस प्रकार की वृत्ति का भी पालन कर सकते हैं। तो जब आप खेती से अपना निर्वाह चलाते हैं तो उसको कहा गया है प्रमृत प्रकार की। अब पांचवी वृत्ति है सत्यानृता, जहां सच और झूठ दोनों का सहारा लेना पड़ता है। तो भैया ये व्यापार है, जब भी आप कोई व्यापार करते हैं कभी सच भी बोलना पड़ता है और कभी कहना पड़ता है कि साहब इतनी तो हमारी खरीद भी नहीं है, आप मांग रहे हो इतने में हम कैसे आपको दे दें।
इसमें तो हमको घाटा जा रहा है, लेकिन अगर आपने दुकान छोड़ी दी, आप जाने लग गए, फिर कहेगा ठीक है ले जाओ साहब, अब हमें तो क्योंकि दुकान खाली करनी, कुछ भी बोलना तो पड़ेगा ना। तो इसमें सच्चा झूठा सब कुछ बोलना पड़ता है। ये व्यापार जो है ये पांचवी प्रकार की वृत्ति है। और छठी वृत्ति जो है वो है स्ववृत्ति, कुत्ते वाली वृत्ति, और उसको कहा है कि ये सिर्फ शूद्रों के लिए है। नौकरी करना ये सिर्फ शूद्रों का काम है, द्विजों को किसी की सेवा का कार्य, किसी की नौकरी का कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जो श्रेष्ठ लोग हैं वो इस प्रकार की वृत्ति का आचरण नहीं किया करते। देखिए हमारे यहां तो सत्य अहिंसा के बाद सबसे पहले अस्तेय या परिग्रह जो होता है वो सिखाया जाता है। तो यहां कहा है कुशूल धान्य को वास्यात कुंभी धान्य के एवा। देखिए ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए कि एक कोठी अनाज अगर उसके पास में है तो बस सब पर्याप्त है, आगे आता रहेगा, और उसके यहां अगर कुछ शिष्य वगैरह भी विद्या अध्ययन करते सब कुछ चलता है तो इतना तो चाहिए, तो आता रहेगा चलता रहेगा। जो सामान्य ब्राह्मण है वो तो कुंभी धान्यक, एक घड़े भर धान उनके यहां हो तो उनसे भी उनका काम चल जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास तीन दिन का भोजन हो बस इतना ही संग्रह करते हैं, इससे ज्यादा संग्रह नहीं करते हैं। भैया इससे भी श्रेष्ठ वो होते हैं जो सिर्फ एक दिन का विचार करते हैं कि आज का भोजन हो गया कल क्या होगा, सबके दाता राम, अरे जिसने पेट दिया वो भोजन भी देगा, हम काहे की चिंता करें। लेकिन जो लोग इस प्रकार का विचार नहीं कर पाते हैं, साल भर का अनाज भरेंगे, तेल भरेंगे, ये भरेंगे वो भरेंगे, और फिर भी अगर उनके यहां कोई मेहमान आ जाए तो उनको ऐसा लगता कि अरे साहब ऐसा हो गया, ये तो हमारे यहां इतने दिन तक रुक गए, इतने दिन तक खाना खाया, ऐसी ऐसी चीजों का हिसाब करते हैं या ऐसे ऐसे विचार मन में आते हैं। कई बार कह नहीं पाते हैं लेकिन मन में जो विचार आते हैं वो बड़े ही हमारी संस्कृति के अनुसार नहीं है, वो बड़ा ही गलत है। तो ये जो चार प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, एक ऐसे जो कोठी भर के अनाज एकत्रित करते हैं, एक ऐसे जो घड़ा भर के अनाज एकत्रित करते हैं, एक ऐसे जो तीन दिन के अनाज का एकत्रीकरण करते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो सिर्फ आज भर का ख्याल करते हैं। तो भैया इनमें जो आज भर का ख्याल करता है उसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अगर आपके सिर पे जवाबदारी है, आप कोई गुरुकुल चला रहे हैं, आप कोई विद्यालय चला रहे हैं, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भूखे रह जाएं तो चल जाएगा, लेकिन जिनकी जवाबदारी आपके सिर पे है अगर वो भूखे रह जाते हैं तो नहीं चलेगा। ये जो इतना अनाज चाहिए, खेती करेंगे नहीं, व्यापार करेंगे नहीं, तो आएगा कहां से। तो ब्राह्मणों के लिए जो वृत्ति कही गई है कि ब्राह्मण इन आजीविकाओं का प्रयोग कर सकते हैं, तो यज्ञ करवाना, वेद पढ़ाना, दान लेना, ये तीन प्रकार की मुख्य प्रवृत्तियां ब्राह्मणों के लिए कही गई। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनको दान लेना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दान लेने के लिए आपने अगर महाभारत की कथाएं सुनी है तो स्पष्ट उल्लेख है कि किसी ऐसे वैसे व्यक्ति का धन अगर आपके पास आ जाए दान के रूप में तो फिर आपकी सारी जनरेशन बिगड़ जाए, ऐसी स्थिति होती है। तो भाई अगर दान नहीं लेना है तो यजन और अध्यापन का कार्य भी ब्राह्मणों को करना चाहिए। लेकिन श्रेष्ठ ब्राह्मण वो है जो सिर्फ वेदों को पढ़ा करके और अपनी आजीविका का निर्वाह किया करता है। तो भैया यहां पे कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आपके सम्मुख चौथे अध्याय के अनुसार विवेचन किया है। व्यक्ति को अपने जीवन में क्या चाहिए, दो समय की रोटी, पहनने के लिए वस्त्र और सिर छुपाने के लिए घर, इससे अधिक कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन इन जरूरतों को हम इतना बड़ा बना लेते हैं कि सारे जीवन शरीर को पीड़ा पहुंचे तो चलेगा, जो होगा वो चलेगा, किसी की बेईमानी करनी हो, किसी को लूटना हो, किसी को बेवकूफ बनाना हो, हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं सिर्फ इस धन के लालच में, जिसका यहां पर मनुस्मृति में स्पष्ट निषेध किया गया है। स्वर्गायुष्य यशस्यानि वृतानि मानि धारयेत्। भाई जो व्यक्ति
इस प्रकार से श्रेष्ठ वृत्ति का निर्वाह करता है वो स्वर्ग के सुख प्राप्त करता है। देखिए धन में सुख है, हम मान लें कि घर में सुख है, हम मान लें कि कहीं किसी प्रकार से अच्छे अच्छे वस्त्रों में सुख है, तो हम कभी सुखी हो ही नहीं सकते। सुख तो ये आत्मा का विषय है, और जो संतोषी हुआ करता है, संतोष मूलम ही सुखम दुख मूलम विपर्ययः, यहां पे इस बात को कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन में अगर संतोष है तो वो परम सुखी है, और अगर उसके पास संतोष नहीं है तो वो हमेशा दुखी रहेगा। और जो संतोषी व्यक्ति है वो सतायु हुआ करता है, वो यशस्वी हुआ करता है, वो स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। तो भैया अगर आप आजीवन सुखी रहना चाहते हैं तो तृष्णा के पीछे मत भागिए, संतोषी बनिए और इस जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करके शतायु जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। यहां आके इसके 13 श्लोक मैंने पूरे कर दिए हैं, कुछ संक्षेप में ही चल रहा हूं, सभी चीजों का विस्तार से वर्णन करने बैठे तो मनुस्मृति में ही 2 साल निकल जाएंगे, इसलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। कोई ऐसी बात हो जो आपको लगे कि नहीं ये बात तो हमको सुननी है तो उसको विस्तार से कहेंगे। धन्यवाद। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।